मेट्रो लगा देता। बैठो लो हाथों हाथों। बहुत तकलीफ देते हैं उसको जो बगैर किसी कसूर के मिले। थैंक यू रेहान, बहुत हो गई हमदर्दी, अब जाओ यहाँ से। अमल एक बात समझ नहीं आती, क्या तुमने ये दर्द लेने के लिए जहीन से शादी की थी? मैं सिर्फ इसलिए कि वो एक अमीर ज़ादा है। बात अमीर ज़ादे की नहीं है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा प्लीज लीव। और हाँ, आइंदा मेरे लिए इतना कंसर्न फील करने की जरूरत नहीं है। हाँ जानता हूँ, अपना ख्याल रखना। रेहान, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी फैमिली मौजूद है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आइंदा मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत भी ना करना, अपना ना सही मेरी इज्जत का ख्याल कर लो, मेरे लिए मजीद प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। यू नो अमर, बहुत तकलीफ होती है जब आप उसको दर्द में देखें जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हें साल में देखा, इतने दर्द में देखा तो एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारे कमरे में आ गया। आई एम सॉरी, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से मैं वहां बेबस खड़ा रहा, वरना उस ज़हीन को ऐसा सबक सिखाता कि वो सारी जिंदगी याद रख ले। स्टॉप इट रेहान, अब जाओ प्लीज। जा रहा हूं, और तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। राफिका, स्पोर्ट्स डे है, आप चलेंगे? नेक्स्ट वीक है ना, अगर मैं बिजी नहीं हुआ तो आई ज्वाइन। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठ गई तुम? जी बस अभी उठी हूँ आंटी। आंटी वो मैं एक्चुअली ब्लैक कॉफी पीती हूँ, आप बनवा देंगे? हाँ तो मैं भी जाकर बनवा लेती हूँ। रुको सोनिया, तुम किचन क्यों जा रहे हो? ब्लैक कॉफी हानिया को चाहिए, वो जाके मकबूल को बता देगी, वो बना देगा इसे। इट्स ओके, नई दुल्हन है ना? नहीं सोनिया, इट्स नॉट ओके। ये घर हानिया का भी है, कौन सा काम कैसे करना है इसे पता होना चाहिए। अभी मेरे घर में ऑर्डर करके टेक अवे वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आई डोंट लाइक इट, बात का ख्याल रखना है। तुम परेशान मत होना, मैं समझा लूंगी इन्हें, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी जाकर बनवा के लाती हूँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं, आप रहने दें, मैं खुद बना लूंगी।
हानिया सुनो तो। सहीन, सहीन आज मामा की तरफ जाना है, आपको याद है ना? तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हारी मामा के उस सो कॉल्ड घर में जाऊंगा? सहीन आज आपको जाना पड़ेगा, चाहे कुछ देर के लिए सही। मामा आपके बारे में पूछती हैं, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। तुम्हारी मामा मेरे बारे में पूछती है तो मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, समझे तुम? मामा ऑलरेडी कई बार पूछ चुकी है, उन्हें लगना चाहिए कि मैं यहां पर खुश हूं। अच्छा तो तुम खुश हो? खुश हो या? मैं खुश हूं या ना हूं आई डोंट केयर, लेकिन मामा को फर्क पड़ता है। मैं उनके लिए करना चाहती हूँ ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि मैं आपके साथ खुश हूँ, आप ख्याल रखते हैं मेरा। छोटी तसल्ली देने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा मैं। सहीन आपको चलना होगा। क्या करें, छोड़े मुझे। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, तुम्हें जाना है ना तो जाओ, लेकिन मुझे मजबूर मत करो, अपनी औकात में रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों तुम ज़हीन को तंग करती हो? क्यों गुस्सा दिलाती हो उसे? What's wrong with you? मॉम आप इसे समझा दें, ये मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस करना बंद करें। मैंने कहा ना मैं कासिम हाउस नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। आंटी आप प्लीज ज़हीन को समझाएं, जब से हमारी शादी हुई है ये एक बार भी मेरे साथ मामा के घर नहीं गए। वो कई बार पूछ चुकी है, मैं बस उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। और तुम बकवास बंद करो अभी। ज़हीन, जाओ ड्राइवर के साथ चली जाओ, ज़हीन आ जाएगा तुम्हें शाम में पिक करने। तुम्हारी मामा को तो तसल्ली हो जाएगी ना कि उनकी लाडली बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। खुश हो ना तुम यहाँ पे? थैंक यू सो मच।